हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पर भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नोज ब्लीडिंग के बारे में, यानी कि नाक से खून आना। इसको मेडिकल टर्म में एपिस्टेक्सिस भी कहा जाता है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे ये क्या है, किन को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इसकी जांच की जाती है, यानी डायग्नोसिस की कुछ बेस्ट स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, यानी घर पे भी आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में रखेंगे हम होम्योपैथिक, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट नोज ब्लीडिंग। और देखिए, कुछ व्यूअर्स की ये हैबिट होती है कि वीडियो स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बिल्कुल मेडिसिन का पार्ट ही देखते हैं। एक दो व्यूअर्स ने मुझे बोला भी है कि मैम सिर्फ मेडिसिन बताएं, ऐसा नहीं है, पूरी जानकारी बहुत जरूरी है। ये जानना कि ये क्या है, क्यों होता है, कॉज के ऊपर आपका ट्रीटमेंट रहता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन की जरूरत भी पड़े। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप घर पे ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोज ब्लीडिंग क्या है और कैसे होती है। देखिए, नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून का आना, सबसे पहले तो क्या ये प्रॉब्लम कॉमन है? यस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और सभी को कभी ना कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है। और मेडिकल टर्म में इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। अब ये क्यों है और इतना कॉमन क्यों है? देखिए, नोज आपने देखा होगा मिडल ऑफ द फेस पे, यानी हमारे बिल्कुल फेस के बीच में है और यहाँ पे बहुत सी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और फाइन ब्लड वेसल, जो बहुत ही पतली खून की जो नलियां होती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपस में मिली हुई होती हैं, बहुत हायर डेंसिटी में होती हैं। तो यही रीज़न है कि हल्का फुल्का सा भी चोट लगा है, ब्लो हुआ है, तो नाक से खून आना एक बहुत ही कॉमन और नॉर्मल है। तो ये तो हमने बात करी कि कैसे ये कॉमन है। उसके बाद बात आती है कि कब ये प्रॉब्लम सीरियस होती है। देखिए, नोज ब्लीडिंग आप घर पे ठीक कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं, बट बात आती है कि कब ये सीरियस है, कब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर मान लो आपका नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, यानी क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, दूसरा टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है कि वो रुकी नहीं रहा है, 10-15-20 मिनट, नॉर्मली वो 2-4 मिनट में स्टॉप हो जाता है अगर आप पिंच कर लेते हैं, वो हम मैनेजमेंट में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वो आता ही रहता है और आपको फ्रीक्वेंट है, यानी बार बार अगर आपको नोज ब्लीडिंग होती है और कहीं ना कहीं कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम भी हैं, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, वरना आप इसे घर पर भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स की कि ये कितनी तरह की होती है। टाइप्स यानी कि प्रकार। देखिए, कहाँ से अगर ब्लड आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये टाइप्स होता है। नोज में यूजुअली अगर फ्रंट से आता है, यानी अगले हिस्से से आपको ब्लड आता है, नोज के भी दो पार्ट हैं, इंटीरियर आगे का, पोस्टीरियर पीछे का, अगर अगले हिस्से से ब्लड आता है तो उसको हम इंटीरियर कहते हैं। और इंटीरियर माइल्ड होता है, इतना सीवियर यानी इतना नुकसान वाला भी नहीं होता, आप घर पे भी इसे ट्रीट कर सकते हैं और कॉमन भी यही होता है। फिर आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है डीप, यानी बहुत अंदर से, अगर नाक के बहुत ही अंदर से पिछले हिस्से से अगर खून आता है तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और यूजुअली ऐसा ट्यूमर या किसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में देखा जाता है। और इस केस में मेडिकल अटेंशन जरूरी है, आपको डॉक्टर विजिट करना जरूरी है। तो यही बात करी हमने यहाँ पे टाइप्स की। उसके बाद करते हैं हु गेट्स इट, यानी किन को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कौन लोग इस पर रिस्क पे होते हैं। नॉर्मली हमने डिस्कस करा ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, बट जो ज्यादा रिस्क पे हैं बच्चे, 2 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है नोज पिकिंग की, बार बार नोज पिक करते हैं, तो इस वजह से है। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें ओल्डर एडल्ट, यानी 45 to 65 एक एज ग्रुप है, 45 से 65 का, उसमें क्या होता है, एक तो एजिंग की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जो आपकी नसें होती हैं उन पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो हाई बीपी भी एक वन ऑफ द मेन कॉज माना जाता है, जो कि हम कॉज में डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह से। दूसरा, मान लो वो यूज करते हैं मेडिसिन, एंटी कोगुलेंट मेडिसिन यूज करते हैं, ब्लड थिनिंग मेडिसिन वो यूज करते हैं, तो इस वजह से भी, जैसा कि हमने बात करा, तो क्योंकि वहां पे जमा हो जाता है थक्का, इस वजह से वो भी एक रीजन बनता है। और इसमें प्रेगनेंसी भी देखा जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, यानी थोड़ी सी फैल जाती हैं, तो फैलने की वजह से भी ऑब्वियसली पतली भी हो जाती हैं, फैल भी जाती हैं, तो ब्लीडिंग थोड़ी कॉमन हो जाती है। तो ये कॉमन है, कुछ और हैं जो हम कॉजेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर बात करेंगे मेन यहाँ पे कॉजेज की, मेन कॉज, मेन कारण क्या है। देखिए, वैसे तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कारण भी इसके लिए बहुत से माने गए हैं। मेन कारण इसके लिए माना जाता है ड्राइनेस। ड्राइनेस यानी कि सूख जाना। आपका जो नेजल म्यूकस मैम्ब्रेन, नाक की जो अंदर की पतली सी परत होती है, उसको हम म्यूकस मैम्ब्रेन कहते हैं।
पतली सी होती है, तो अगर वो सूख जाती है, नॉर्मली आपने देखा होगा म्यूकस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि ताकि वहां पे थोड़ा म्यूकस नमी बनी रहे, लेकिन अगर सूख जाती है, ड्राइनेस है वहां पे, तो वो एक मेन कारण बन जाता है, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम देखी जाती है। और भी कई रीजन है, जैसे मान लो पिकिंग है, जो हमने बच्चों में डिस्कस करा था, अगर बार बार आपको नोज पिक करने की हैबिट है फिंगर से, तो उसमें भी वहां पे छोटा मोटा वियर टियर हो जाएगा नसों पे, तो वहां पे हो सकती है। और बात आती है ड्राइनेस ऑफ द एयर में भी, अगर ड्राइनेस है, ड्राइनेस ऑफ द एयर माना जाता है, जैसे हाई एल्टीट्यूड अगर आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो वहां पे एयर में ऑक्सीजन भी कमी होती है और एयर ड्राई भी होती है, तो आपको इरिटेट कर सकती है। तो ऐसे केसेस में भी देखा जाता है ये प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी की हमने बात करी है, कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसमें देखा जाता है, और हीमोफीलिया है, कुछ ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। नेजल पॉलिप है, यानी नाक में अगर छोटा सा मास भी बढ़ जाता है, तो उसमें भी देखा जाता है। डायलेटेड नेजल सेप्टम, यानी जो नाक का ये जो पार्टीशन होता है, हिस्सा होता है, ये अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो इरिटेट करके ब्लीडिंग आपको कर सकता है। नेजल ट्यूमर्स, जो कि रेयर हैं, बट हाँ कुछ कुछ केसेस में देखे गए हैं, नाक में अगर कोई ट्यूमर हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये हमने कुछ कॉमन बातें डिस्कस करी हैं, कुछ रेयर, जैसे मान लो कोल्ड है हल्का फुल्का, बार बार अगर आपको फ्रीक्वेंट स्नीजिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट बार बार हो रही है, तो वहां पे फिर अगेन इरिटेशन हो गई, थोड़ा सा इंजरी वहां पे होगा और आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे इंसर्ट करने की भी हैबिट होती है, तो वो भी आप ना करें, वो भी आपको माइनर इंजरी करके वहां पे ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। एक आता है इसमें, जो अभी हमने डिस्कस करा था, ओल्डर एडल्ट्स में ब्लड थिनिंग, जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, कुछ एनएसएड्स भी होते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी होती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन बनती हैं। केमिकल फ्यूमिंग, जैसे कई बार आप ऐसी वर्क एनवायरनमेंट अगर आप कैसे जहां पे केमिकल फ्यूम्स हैं कुछ रिलीज जो होते हैं, तो उनकी वजह से नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन होकर फर्दर वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। कोकेन है, अगर आप इनहेल करते हैं थ्रू नोज, तो भी देखा जाता है। अल्कोहल के यूजर्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं। हाई ब्लड प्रेशर की हमने बात करी है। और इंजरी, अगर कहीं से कोई मेजर इंजरी है, नोज का ही इंजरी हुआ है, आपने फोर्सफुली ब्लो किया है, या फॉल का आप गिर गए हैं तो नाक पे चोट लगी है, तो ये कुछ कारण हैं। और भी छोटे छोटे कई कारण देखे जाते हैं, इसके लिए बहुत से कारण हैं, तो ये आप ये मेन कॉजेज हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद करते हैं मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट यानी आप इसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं, कुछ बातें हैं जो आप फॉलो करें। अगर आपको नोज ब्लीडिंग है, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले रिलैक्स करें और अपना नोज का जो सॉफ्ट पार्ट है, फ्रंट का जो हिस्सा है, इसे आप पिंच कर सकते हैं लाइक दिस। इसको आप पिंच करें, जिससे क्या होगा, आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। और एक हैबिट देखा जाता है, जब भी आपको नोज ब्लीडिंग होती है, आप ऐसे सर कर लेते हैं, यानी पीछे की तरफ झुका लेते हैं, पीछे की तरफ नहीं, आपको स्लाइटली आगे की तरफ फॉरवर्ड करना होता है। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे पिंच करके आगे की तरफ करते हैं, तो जो ब्लड है आपका पीछे ना जाके गले में नहीं जाएगा, जिससे आपको वॉमिटिंग नहीं होगी, गैगिंग नहीं होगी और सेफ रहेंगे, यानी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका इसमें आइस पैक्स। देखिए आइस पैक लगाना बहुत जरूरी है, आप आइसिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स थी, नसें थी, वो थोड़ी सी सिकुड़ यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। आइसिंग आप कर सकते हैं 2-4 मिनट के लिए, गैप पे कर सकते हैं, जैसे जैसे आप थोड़ा सा बीच में गैप दे देके भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से करें। और जो हमने बात करी है पिंचिंग की, पिंचिंग आप कम से कम 5 मिनट्स करें, क्लॉक को देख के ही करें। आपको लगता है शायद हो गया है, बट नहीं, एग्जैक्टली 5 मिनट्स तक आप करें, उसके बाद नेचुरली ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। और अगर नहीं होता है, तो फिर 5-10 मिनट के लिए आप और कर सकते हैं, यानी 15-20 मिनट तक आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और ब्रीदिंग आपको माउथ से करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आइस पैक आप कर सकते हैं, पिंचिंग आप कर सकते हैं हमने बताया, और आगे की तरफ आप झुकें ना कि पीछे की तरफ, ये आप इस बात का भी आप ध्यान रखें। और देखिए कुछ लोग जो है टिश्यू वगैरह अंदर डाल लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, खुद ही पैकेजिंग कर लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे ब्लॉक कर लेंगे आप, और जब आप उनको निकालेंगे तो मोर ब्लड सीवियर ब्लड लॉस उसमें और होगा, तो आप ऐसा ना करें। आप ऐसा कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स आप लगा सकते हैं, जैसे मान लो वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली है, उसको आप फिंगर में लेके अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो ड्राइनेस कम हो जाएगी, एरिया थोड़ा नमी बनी रहेगी और ब्लीडिंग भी स्टॉप्स हो जाएगी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बात है। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस की।
कि क्या जांचें, क्या टेस्ट इसके लिए जरूरी हैं। देखिए, नोज ब्लीडिंग कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका केस हिस्ट्री लेना जरूरी है कि कहीं ये कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, बार बार आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वरना इसके लिए कोई ऐसा टेस्ट रिक्वायर नहीं है। किसी किसी केसेस में अगर लगता है तो एक्सरे कर सकते हैं कि ट्यूमर तो नहीं है, सिटी स्कैन भी कर सकते हैं। ट्यूमर और ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर लगता है तो, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है और आप अपना मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग। तो काफी मेडिसिन हमने यहाँ पे रखी हुई है और आप बिना मेडिसिन के भी, जैसा कि हमने इनिशियली बताया, ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्टिन्यूस है और आपको जल्दी रिकवर अप करना है तो आप मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमामेलिस, जो कि टॉप मेडिसिन है। हेमामेलिस आप तब ले सकते हैं, देखिए ये मेडिसिन एक तो आपको ऑरली लेनी है, नाक में नहीं डालनी है। कई पेशेंट गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से मेडिसिन गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये हेमामेलिस मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, 30 या 200 पावर में आप इसे ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का लें जो आपके आसपास अवेलेबल है और ड्रॉप पर लगे हुए, 2-3 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली जबान पर लें और दिन में 3-4 बार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। हेमामेलिस आप कब लें, जब आपको लगता है कि ब्लीडिंग बार बार हो रही है, ब्लड का कैरेक्टर तो जो है डार्क है, यानी थोड़ा गाढ़ा खून आता है, इस केस में आप ले सकते हो। हेमामेलिस के पेशेंट को थकान भी लगती है, थोड़ा थका हुआ भी रहता है। उसके बाद हमने मेडिसिन रखी है यहाँ पे अर्निका मोंटाना। एक और बात है, एक बार में सिर्फ एक ही मेडिसिन यूज करनी है और होम्योपैथी में मेडिसिन डिपेंड करेगा कैरेक्टर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड किस तरह का, खून कैसा है, और साथ ही साथ में कॉज ऑफ ब्लड यानी किस वजह से है, तो इन दोनों के ऊपर मेडिसिन बेस्ड रहता है। तो इस तरीके से आप मेडिसिन यूज करें। ये अर्निका मोंटाना है और वही मेडिसिन है ये यूजुअली जो ब्लीडिंग में दी जाती है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग में। अर्निका आप कब यूज करें, आपने सुना होगा अर्निका हमेशा चोट में, यानी अगर आप गिर गए हैं, चोट लगी है, मेजर इंजरी फॉल है, ब्लो है, बहुत ज्यादा ब्लो करने के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग आती है तो आप अर्निका यूज करें। सेम वैसे ही 2-3 ड्रॉप्स ले सकते हैं, डायरेक्टली जबान पे ले सकते हैं, 2-4 दिन आप रेगुलरली यूज करें। और इसमें प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है, हीलिंग में 1-2 हफ्ता 3-4 हफ्ता लग सकता है, किसी किसी को महीना भी लग जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस धीरे धीरे आपका ब्लीडिंग कम होना चाहिए। उसके बाद हमने रखी हुई है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है। कार्बोवेज आप कब यूज करें, देखिए कार्बोवेज का कैरेक्टर होता है फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। अगर आपको लगता है आपको बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीडिंग होती रहती है, अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो आप वाइटैलिटी कम हो जाएगा, यानी आपका जो है एक जो स्ट्रांग स्ट्रेंथ रहती है हमारी इम्यूनिटी, वो थोड़ी कम हो जाती है, पेशेंट वीक रहता है, कई बार तो कोलैप्स यानी फेंट भी हो जाता है इसका पेशेंट। तो कार्बोवेज जब बहुत ज्यादा कमजोरी है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो आप कार्बोवेज यूज कर सकते हैं। साथ साथ इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। फिर हमने रखी हुई है यहाँ पे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होम्योपैथिक मेडिसिन है, नोज ब्लीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, जनरल ब्लीडिंग के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। फॉस्फोरस आप कब यूज करें, फॉस्फोरस अगर आपको मान लो नाक में कोई मस्सा मास बना हुआ है, नेजल पॉलिप के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से अगर होती है, तो फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। फॉस्फोरस का करेक्ट होता है ब्राइट रेड ब्लड का, यानी अगर बहुत ज्यादा ब्राइट रेड कलर का ब्लड है तो उस केस में फॉस्फोरस ले सकते हैं। फिर हमने लखी हुई है यहाँ पे लैकेसिस। लैकेसिस भी ब्लीडिंग में, किसी भी तरह की ब्लीडिंग में, नोज ब्लीडिंग में बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेम देखिए ये सोबेका है, बाकी सारी कंपनी हमने SBL थी, बाकी मेडिसिन SBL कंपनी की थी, कोई भी कंपनी ले आप, डॉक्टर एक में सोबे SBL सभी इफेक्टिव है, अपनी अपनी जगह है। तो ये लैकेसिस आप कब यूज करें, लैकेसिस में देखा जाता है लैकेसिस का जो करेक्टर है वो बहुत अगेन डार्क होता है, ब्लैक होता है लैकेसिस का, और लैकेसिस में भी जो है पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के केसेस देखे जाते हैं लैकेसिस में भी। तो इन सभी दवाओं में से आपको एक बार में एक ही मेडिसिन यूज करनी है, अपने कॉज के और कैरेक्टर ऑफ ब्लड के अकॉर्डिंगली मेडिसिन यूज करनी है, और मैनेजमेंट पार्ट आपको बिल्कुल फॉलो करना है, वो आप फॉलो करते हैं आपको जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाती है। और इनको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज करें, एक बार में एक मेडिसिन यूज करें। और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेडिसिन के लिंक देख सकते हैं, वहां पे मेडिसिन के लिंक भी हमने दिए हुए हैं, वहां से आप अपने अकॉर्डिंगली मेडिसिन खरीद सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद करें, आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं बेल आइकन, जिससे आप अपडेटेड रहें। वीडियो के स्क्रीन पे भी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अलग अलग वीडियोस डाले हुए होते हैं, आप ज्यादा जानकारी के लिए उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।